असाउद्दीन ओवैसी जी, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फ़ोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ़्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फौरन पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लियामेंट के की जान पर जब खातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ प्रदेश में इख्तदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के ख़िलाफ़ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगु नहीं करूँगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूँ, 4 मरतबा का सांसद हूँ, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियाँ चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद खुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजान की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या आयमन अल जहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में, उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को ये भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की ताइद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूँ। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहाँ पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हाँ, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर, खत्म, सर मुझे खत्म, सर सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके NIB की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी माँ की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया, जब मेरी आंख बने एक बन हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आप? नहीं सर,
देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर चार मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से चार चार गोली चलाता है, मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और उत्तर प्रदेश मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जज कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है, दो लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते हैं, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर।